नमस्कार दोस्तों, हम भगवान शिव के सभी रूपों से बहुत अच्छे से परिचित हैं, लेकिन महाकाल के अलग अलग श्रृंगार भी होते हैं और अलग अलग दिन भी होते हैं। जानते हैं कि महाकाल का कौन सा श्रृंगार किस दिन किया जाता है। नंबर एक, बाबा महाकाल की प्रतिमा हम गणेश जी की प्रतिमा के रूप में ही देखते हैं और उन्हीं का स्वरूप रखते हैं और उनके स्वरूप में हम आरती करते समय भस्म करते हैं। भस्म का दर्शन करते ही हम लोग महाकाल की आरती करते हैं। तो ये है महाकाल की पहली प्रतिमा। यदि आप इसकी पूजा करते हैं तो आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वह सभी बन जाते हैं। नंबर दो, महाकाल का दूसरा रूप है संध्याकालीन घंटा, यानी कि यदि आप भगवान शिव की प्रतिमा देखेंगे तो यह साल में एक बार ही मिलती है, क्योंकि भगवान की साल में एक बार ही ये प्रतिमा प्रचलित होती है। और इसी प्रतिमा की यदि आप पूजा करते हैं तो आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वह बन जाते हैं और आपकी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। नंबर तीन, हनुमान के रूप में भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। यदि उनकी प्रतिमा के और स्वरूप में ही हम आनंदी कालेश्वर के बाबा के रूप में ही पूजा करते हैं, जिसे हम महाकालेश्वर का रूप ही मानते हैं, यदि ऐसे पूजा करते हैं तो हम अपनी बाधाएं और समस्याओं को दूर करते हैं। नंबर चार, शेषनाग के रूप में हमने देखा है कि महाकाल के गले में हमेशा शेषनाग हमेशा रहते हैं और वह प्रचलित भी माने जाते हैं। शिव की पूजा करना शेषनाग की पूजा करना भी अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि शिव का एक अभिन्न अंग शेषनाग भी पूजे जाते हैं। यदि आप इस प्रतिमा की पूजा करते हैं तो आप अपने घर से और अपने आसपास से सारी बुराइयों को और नकारात्मक को दूर करते हैं और अपने घर में सौभाग्य लेकर आते हैं। नंबर पाँच, महाकाल का दूल्हे के रूप में प्रतिमा। सभी जानते हैं कि शिव की प्रतिमा एक दूल्हे के रूप में भी पूजा की जाती है। जो पूजा करने के समय पर हम नए वस्त्र अर्पित करते हैं, ऐसा करने से हमारे जीवन में जो भी विवाहित समस्या होती है वह सभी दूर हो जाती है और महाकाल का आशीर्वाद मिलता है। तो ये है वह प्रतिमाएं। यदि आप इनकी पूजा करते हैं तो आपके घर से और आपके जीवन से सभी नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।